नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम हिंदी में मात्रा कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है देखेंगे। तो मित्रों, आपने हिंदी का स्वर तो जान लिया है, आ उसी से मात्रा होता है। तो चलिए पहले आ लिखते हैं और फिर देखते हैं उसका मात्रा कैसे होगा, क्योंकि उच्चारण वही होगा। तो ये रहा आपका अ। ती जो अ का मात्रा है, इसका मात्रा तो कुछ नहीं होता है, पर हाँ जो भी स्वर व्यंजन है ना, जैसे कि मान लीजिए क, ये आधा रहे तो ऐसे लिखाता है हलंत, इसका हम बोलते हैं हलंत। क क मैंने आधा क है, जैसे कु कुकुर कुकुर, एक क आधा है दूसरा पूरा है, तो ये इस तरह से आधा क। और इसमें जब अ जुड़ जाता है ना, तो इसका उच्चारण हो जाता है क, ये पूरा हुआ क। तो इस नजरिया से जितना भी व्यंजन है, क ख ग घ अंग च छ, अब ध्यान दे रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ पीछे अ सब में आ रहा है, इसलिए सब में ये अ रहता है, इसका अपनी कोई मात्रा नहीं है, सब में रहता है। क ख ग सब में अ रहता है, वैसे अंग्रेजी में भी सब में ए रहता है पीछे में, क के ए क के एच ए ख, ये रहता है ना उसी तरह। तो ये रहा सब में रहता है, और नहीं रहेगा तो आधा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा मात्रा आ। आ इसके लिए तो इसका तो कोई मात्रा नहीं है, सब में रहता है। आ आ का ये चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह आ आ के लिए लिखा जाता है। जैसे ये क है, और क के पीछे अगर हम इसको लिख दें तो हो जाएगा का का, क के पीछे लिखे का। इस तरह ग के पीछे लिखेंगे गा, त के पीछे लिखेंगे ता, जितने भी व्यंजन है उसके पीछे लिखते हैं तो ये मात्रा आ हो जाता है। आगे दूसरा मात्रा है अ। हसई हसई छोटा ई, ई तो इसके लिए जो यही है, और सामने से ऐसे हो जाता है, क्योंकि सब अ का ही रूप है, अ आ ई, तो ये सामने से ऐसे हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर क है, और सामने से ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे की। बड़े की मात्रा इसके बाद है ये ई। इसमें क्या होता है, पीछे से उसी तरह हो जाएगा, पर पीछे से इस तरह से, जैसे यहाँ क है इसके पीछे से ऐसे चला जाएगा, हम उसको बोलेंगे की, देर तक बोलेंगे। तो आ ई। अब हम आते हैं आगे, ये चार खड़ी हो गया, 12 खड़ी का है मात्रा ऊ। ऊ तो नीचे में ऐसे किया जाता है, मान लीजिए कोई अच्छा लिखा हो नीचे ऐसे, यहाँ पर क है लिखा हुआ तो ए सामने से कर दिए कू। अब आते हैं बड़ो ऊ, तो ये वाला इस तरह कर देंगे, जैसे कि ये क है तो इस तरफ चला जाएगा कू कू कू। वैसे आ अपने आप में इसका भी प्रयोग होता है यहाँ पर, जैसे कि आम तो आ लिखेंगे, इमली में ई लिखेंगे, पर ये की भी लिखेंगे तो इसका मात्रा भी बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो वो उसके बाद आते हैं री।
री देखिए त्राल लिखकर ऐसे करके ऐसे री, इसका मात्र का है तो इस दोनों की तरह ही नीचे में ऐसे लिखना हो जाता है। जैसे कृष्ण तो वो कैसे लिखेंगे कृष्ण में, तो क में ये इस तरह से क्री, इसको ऐसे लिखे या ऐसे भी देते हैं जैसे मैंने दिया, तो क्री ये मात्रा हो गया री का। अब आगे जगह नहीं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, साफ हो गया, तो यहां पर हो गया क का की कु क्री। अब आगे आगे होता है, आपने स्वर देखा था ए ए, इसको क्या करना है, इस चिन्ह के ऊपर ऐसे एक रहेगा के, जैसे इसके बाद में लिखूं यहाँ पर तो क के ऊपर हो जाएगा के, के ए यानी कि दो हो जाएगा। तो देखिए क पर दो हो जाएगा। अब बोलेंगे हम इसको कै, कैसा कै कै, ए आए फिर ओ आ जाएगा ओ। इसके लिए क्या करना है, ठीक इसी तरह रहेगा पर चीना के ऊपर रहेगा ऐसे ओ, तो यहाँ क लिख कर हम ऐसे लिख देंगे को, आओ ऐसे दो रहेगा ऊपर में आओ, ऐसे करके ऊपर यहाँ पर है ना, तो यहाँ दो हो रहेगा, ये वाला ही है सिर्फ चीना किस दिया गया है आओ, तो कौ कौवा कौ। इसके बाद है आपका अंग, यानी कि जो भी लिखा हो उसका बिंदु दे देंगे, जैसे क पर बिंदु देंगे कंग कंगन कंग। उसके बाद आ में ऐसे कर देंगे आ, यानी कि यहाँ पर चिन्ह रहेगा पीछे में ऐसे कर देंगे क, क पर पीछे देख देंगे क। आगे देखते हैं क का की कु कु क्री कै कै को कौ कं क। ये बार फिर से पढ़ते हैं क का की कु कु क्री कै कै को कौ कं क। पूरा हुआ, धन्यवाद।